अप्पा तुलसीकृत अभिनव तालमंजरी। अभिनव तालमंजरी के लेखक अप्पा तुलसी हैदराबाद के दक्षिण के निवासी थे और निज़ाम हैदराबाद के दरबारी गायक थे। आप अधिकांशतः ध्रुपद गाते थे। यह प्रसिद्ध संगीताचार्य स्वर्गीय भातखंडे के समकालीन तथा उनके मित्र भी थे। अप्पा तुलसी संस्कृत के विद्वान होने के साथ कवि भी थे। आपने संगीत के कई प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत सुधाकर, राग कल्पद्रु माकुर, राग चंद्रिका, अभिनव तालमंजरी तथा राग चंद्रिका सार आदि की रचना की। इनमें से राग चंद्रिका सार हिंदी में तथा अन्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। आपके द्वारा लिखे लगभग सभी ग्रंथ वर्तमान हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के आधार ग्रंथ माने जाते हैं। अभिनव तालमंजरी ग्रंथ में संस्कृत के कुल 130 छंद है। पहले छंद में भगवान राम का स्मरण किया गया है। इस ग्रंथ में वर्तमान तालों को संगीत रत्नाकर से जोड़ते हुए निम्न 25 तालों को संस्कृत श्लोक, तालांग, मात्रा, घात सहित वर्णन है। जैसे एकताल, दादरा, तेवरा, रूपक, धुमाली, झंपा, सूलताल, रुद्रताल, चौताल, विश्वताल, धमारताल, झुमरा, दीपचंदी, आड़ा चौताल, सवारी, त्रिताल, विष्णुताल, पुराणताल, शेषताल, गणेशताल, श्रुतिताल, त्रिपुटताल, माघतताल, ब्रह्मताल इत्यादि बताए गए हैं। उदाहरण के लिए धमारताल के बारे में उनका कहना है कि जनक भाषा में धमार नाम प्रसिद्ध जो 14 मात्रा की ताल है। वह शारंगदेव द्वारा चंड नाम से कही गई है। इसमें 2 लघु विराम व 1 लघु तथा 3 निघात होते हैं जो चतुर मर्दिकों द्वारा विचित्र प्रकार से बजाई जाती है। इसके बाद दूसरा भाग है जिसमें 71 श्लोक है। इस भाग में ताल में 10 प्राणों का भी विवेचन किया गया है।